यूपी के उन्नाव में कल शाम कहीं से भटक कर आए तेंदुए ने 4 ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद इलाके में तेंदुए होने की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मचा। दरअसल किसी जंगल से भटक कर कुखार जानवर तेंदुआ क्षेत्र में आ धमका। उसने ग्राम सकरौली के मजरा बंगला के निकट किशोर समेत 4 ग्रामीणों पर हमला कर गंभीर रूप से घायल किया। इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। तेंदुआ होने की सूचना पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम तेंदुओं को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग में जुटी रही, लेकिन अभी तक खूंखार जानवर टीम की गिरफ्त में ना सका। दरअसल फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के सकरौली गांव में कल तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मच गया। पड़ोसी ग्राम हुलासी खेड़ा के ग्रामीणों को सूचना मिली कि कोई जंगली जानवर ग्राम बंगला के निकट स्थित एक बाग की झाड़ियों में छुपा हुआ है। इस सूचना पर आज सुबह गांव के आसपास के दर्जनों लोग लाठी डंडा लेकर मौके पर पहुंचे। जंगल से उसे भगाने के लिए शोर मचाने लगे। तभी शोर सुनकर तेंदुआ बिजली की रफ्तार से झाड़ियों के बाहर निकला, कई लोगों पर हमला किया और पलक झपकते ही ओझल हो गया। तेंदुए के हमले से ग्राम हुलासी खेड़ा निवासी अनिल कुमार 25 वर्ष, पुत्र रामकिशोर, कमलू 20 वर्ष, पुत्र रूपन और फकीरे का 14 वर्षीय नाती सर्वेश कुमार पुत्र राजकुमार समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रामीणों ने आनन फानन में घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। सर्वेश की हालत नाजुक होने के चलते जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसे कानपुर के हैलट हॉस्पिटल रेफर किया। ग्रामीणों की सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी सुरेश कुमार सिंह, वन दरोगा पप्पू सिंह यादव, राजीव कुमार अवधेश अवस्थी के अलावा कोतवाली बांगरमऊ पुलिस मौके पर पहुंची। तेंदुए को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग शुरू की गई। वन विभाग की टीम के सामने भी एक बार तेंदुआ प्रकट हुआ, लेकिन वो फिर से झाड़ियों में ओझल हुआ। उपवन अधिकारी ने बताया कि तेंदुए की सूचना मिली है, पगमार्ग भी देखे गए। तेंदुए को पकड़ने के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव उप प्रभागीय वन अधिकारी उन्नाव में हूँ जी। तो यहाँ पर क्या निकला है, कौन सा जानवर? नहीं, आज शाम को लगभग 4 बजे सूचना मिली है कि एक लेपर्ड को देखा गया है और पगमार्क भी देखा गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी बांगरमऊ मौके पहुँच गए थे, इन्होंने पगमार्क देखा और इनके द्वारा संभवतः जानवर को देखा भी गया है, जिससे तेंदुआ होने की पुष्टि हो रही है और एक बाग में है। अभी हम लोगों के पास एक पिंजड़ा है, उसको मंगाया जा रहा है और जाल है, तो व्यवस्था की जा रही है कि यहाँ पे पिंजरा लगवा दिया जाए। अगर उसमें आ जाता है तो ठीक है, बाकी व्यवस्था रात भर स्टाफ रहेगा और यहाँ पे निगरानी रिपोर्ट।